हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल, कैसे हैं आप सब? चलिए तो जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी बीपीएससी के चैनल पर। हम सब जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स। अगले कुछ ही मिनटों में कवर करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पे आधारित उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। साथ में सेशन में लास्ट में देखेंगे बिहार के करंट अफेयर्स को जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो या अन्य कोई भी एग्जाम। ओके, तो साथियों जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आई होप कि मैं क्लियरली आपको, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, तो एक बार जल्दी से सभी लोग कॉमेंट करके बता देंगे कि क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। ओके, ऑल राइट। तो वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर देना, मैं भी क्लास को फटाफट से शेयर कर देता हूँ ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए। चलिए, अपनी असफलता का गुस्सा अपने माता पिता को मत दिखाओ क्योंकि उन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। साथियों आज का थॉट है कि अपनी असफलता का गुस्सा अपने माता पिता को मत दिखाओ क्योंकि उन्होंने हार कर तुमको जीतने के लिए सिखाया है ना। ओके, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसा हमें महसूस होता है, हम अपनी असफलताओं का दोष अपने पेरेंट्स पे डालना चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा था, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा। लेकिन आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स अपने जीवन में खुद हार जाते हैं सिर्फ इस बात के लिए ताकि हम जीत सकें। और इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। तो आपके जीवन में वो जो कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे वो बिना आपके कहे वो कर रहे हैं, तो कभी कोई ब्लेम नहीं करना है। और हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो कुछ भी करोगे आप अपने जीवन में, उनमें उनका सहयोग और उनकी खुशी बहुत मायने रखती है। अगर उनका समर्थन आपको प्राप्त है, अगर वो खुश हैं आपके काम से, तो निश्चित रूप से आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं वो बहुत ही जल्दी पूरा करने वाले हैं। आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति हैं क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत साथियों आपके परिवार से होता है, आपके माता पिता से होता है। पूरी दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने माता पिता के विश्वास को जीतना। अगर आपने वो जीत लिया तो फिर पूरी दुनिया भी आप जीत पाओगे। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। साथियों आज है 30th और 31st of July के करंट अफेयर्स एंड सबसे पहले हम लोग आएंगे क्विक रिविज़न में। और क्विक रिविज़न में जल्दी जल्दी से कल के सवालों को, लास्ट सेशन के सवालों को हम लोग यहाँ से उड़ाने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल। चलिए तो जल्दी से कल के सवालों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नए प्रश्नों पे वापस लौटेंगे। चलिए, क्या थे कल के लास्ट सेशन के सवाल जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं? तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करते चलना। पहला सवाल था कि भारत और कौन सा देश जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है। बायो टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में किन देशों ने साथियों समझौते किए हैं? पहला सवाल आपके सामने, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते चलना। तो पहला सवाल कि भारत ने जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में किसके साथ समझौते किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर था भारत ने अर्जेंटीना के साथ साथियों समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल फिर से था उड़ान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी जिसके अंतर्गत भारत में 2024 तक, अगले वर्ष तक 100 नए एयरपोर्ट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत साथियों 2016 में हुआ था, भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अगला प्रश्न पुनः आपके सामने, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दे दिया है? तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट साथियों 21 होंगे उसकी स्थापना की मंजूरी सरकार ने दे दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकीरा जो हाल ही में चर्चा में रहा था ये क्या है? अकीरा हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये अकीरा क्या है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। वेरी गुड, बहुत बेहतर। हाँ तो अकीरा क्या है आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने होगा साथियों कि अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, किस राज्य ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंग्लिश फॉर वर्क को शुरू करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते किए हैं? ब्रिटिश इंडिया काउंसिल के साथ किसने समझौते किए हैं साथियों, किसके लिए समझौता किया गया है? तो यह समझौता हुआ है इंग्लिश फॉर वर्क, मतलब बेसिक इंग्लिश सिखाया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो, ताकि वो अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर पाए। तो साथियों इसकी शुरुआत करी है पंजाब सरकार ने, एन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर से प्रश्न होगा, वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा राज्य समर्थित निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए कुल ऋण कितना है? टोटल कितना कर्ज है जो बैंकों ने, सार्वजनिक बैंकों ने सरकार को प्रदान किए हैं, टोटल कर्ज कितना है? तो साथियों इसका आंकड़ा है 2.09 नहीं होगा, इसका आंकड़ा हो जाएगा 4.12 ट्रिलियन हाँ रुपीज में है ये आंकड़े। आगे प्रश्न पुनः आपके सामने है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत बुरे ऋण का को माफ कर दिया गया कितना, बैड लोन कितना है जिसको माफ कर दिया गया है? तो साथियों बैड लोन यहाँ पे है 2.09 करोड़ रुपीज जिसको माफ कर दिया गया है। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है आईएमएफ ने? तो साथियों इसे 6.1% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल सही है। तेंजिंग आंगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? वह कौन सा राज्य है जहां की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम है तेंजिंग यांगकी? तो सभी बच्चे इसकी जानकारी रखोगे एंड सही जानकारी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश इसमें सही उत्तर है, वेरी गुड। आगे पुनः बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को, साथियों भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है। इस वर्ष वायुसेना ने अपना परेड और वायु प्रदर्शन किस शहर में आयोजित करने वाली है, वह शहर कौन सा है? तो साथियों वह शहर है प्रयागराज एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला सवाल है, मकाऊ चीन में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम कर लिया है? स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्मिता डे, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः सवाल है कि चांगवोन में ISF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। तो साथियों भारत दूसरे स्थान पर रहा है, 17 स्वर्ण पदक भारत ने टोटल जो इसमें पदक जीते हैं उसमें से स्वर्ण पदक हमें पूछा गया है ना, तो स्वर्ण पदकों की संख्या हो जाएगी स्टूडेंट 17, टोटल पदक था तो 17 पदक था लेकिन स्वर्ण पदक है 6, हाँ 6 है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। आगे सवाल है, राष्ट्रीय जलपान दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राष्ट्रीय जलपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय जलपान दिवस, तो साथियों राष्ट्रीय जलपान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4th Thursday of July, हाँ जुलाई का चौथा थर्सडे को और 27 जुलाई को इस वर्ष पड़ा है ये। आगे फिर से प्रश्न है, नई दिल्ली में सेना डाक सेवा द्वारा उद्घाटन, डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले अस्थाई आधार नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है? नई दिल्ली में सेना डाक सेवा का उद्घाटन हुआ, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों को आधार संबंधित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, सबने लगभग सही कमेंट कर रहे हो, हाँ क्या लिख रहा है कि मेरी सोमवारी है सर, क्या क्या लिख रहे हो आज, सोमवारी है मेरा सर जी, अच्छा सोमवार है तो सोमवारी ना रहेगा, बहुत अच्छी बात है एकदम। सभी लोगों के लिए दुआ करना, हाँ भगवान जी से सबके लिए प्रे करना, बिल्कुल।
आगे सवाल होगा कि सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर जो स्टील बैरियर होते हैं साथियों, उसको रिप्लेस करके अब किस सामग्री के बैरियर बनाए जाएंगे? स्टील बैरियर को हटा करके साथियों हाईवे के ऊपर किसका बैरियर लगाया जाएगा? तो अब स्टील हाईवे पे साथियों बांस का, बम्बू का उसमें बैरियर लगेंगे और छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत करी जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर से देखिए सवाल है, अगला प्रश्न, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उन्होंने सत्ता किसे सौंपेंगे? वो अपनी सत्ता को वो किसे सौंपेंगे? चलिए, तो साथियों वह अपनी सत्ता को अपने बड़े बेटे हुन मैनेट को सौंपेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करेगा? साथियों वह कौन सी योजना है जो भारतीय जिनका उम्र 18 से 30 वर्ष इसको वर्किंग वीजा मिलेगा ब्रिटेन के लिए? तो साथियों उस योजना का नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। आगे सवाल, 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? 27 जुलाई को साथियों अपना 85वां स्थापना दिवस किसने मनाया है, उस संगठन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही है, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया है। फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इस ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का काम किसने किया है? तो इसे जीतने का काम किया है रेडबुल के हैं, मैक्स वेस्टेपेन, उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? भायखला रेलवे स्टेशन, ये सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में आपको दिखेगा। तो साथियों ये महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो इतने सारे सवालों को आपने कर लिया, भाई बिहार के भी कुछ क्वेश्चन हैं उसे एक बार देख लो। अब जो करंट अफेयर्स आप करोगे वो सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ है ना, तो बिहार के करंट अफेयर्स को भी एक बार यहाँ से उड़ा दीजिए जल्दी से। बिहार के कितने गांवों में बिहार का फेड प्राइमरी हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए एक हैंडपम्प लगाने की घोषणा की है? कितने गाँवों में साथियों एक हैंडपम्प लगाने की घोषणा की गई है? जल्दी जल्दी कॉमेंट करोगे। चलिए, तो इसमें सही जानकारी हो जाएगी, ऑब्वियसली 10,000 गांवों के अंदर उसमें हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य के सभी जिलों में एक बालिका संरक्षण गृह खोलेगा? बिहार में साथियों हर जिले में एक बालिका संरक्षण गृह खोला जाएगा, वो संबंधित कौन सा राज्य है? तो साथियों यह कार्य करेगी बिहार समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की गणना के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? ये सर्वेक्षण का कार्यक्रम साथियों किस जिले में होगा? तो डॉल्फिन की गणना के लिए अररिया जिले में ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की कितनी संस्थाओं ने DST साथी की पहल का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार को संयुक्त प्रस्ताव भेजा है? केंद्र को संयुक्त प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें सही जानकारी है, टोटल 5 केंद्रों को लाभ होगा इसके लिए भेजा गया। नेक्स्ट है, मौसम परिवर्तन भविष्यवाणी करने का दूसरा डॉप्लर रडार कहाँ स्थापित होगा? मौसम का अनुमान लगाने के लिए दूसरा डॉप्लर रडार का स्थापना पूर्णिया में किया जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर ये हमारे लिए बिल्कुल सही हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कंप्लीट किया। हाँ, अब आते हैं आज के नए सवालों पे। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ नए प्रश्नों के लिए भाई। और आज का पहला सवाल आपके सामने है, ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना।
आज का ये पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, बनाने की कोशिश करें। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने होगा आज के सेशन का, सर बिहार का ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हैं? तो भाई सारा क्वेश्चन बिहार का ही कराएंगे तो इस सेशन तो फिर बिहार करंट अफेयर्स हो जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 30 आते हैं एग्ज़ाम में, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा आएगा वही ना ज़्यादा करवाएंगे। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने है कि कर्मचारी पहला प्रश्न आपके सामने है, इसे देखोगे। भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। आपसे सवाल है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था साथियों? चलिए ये सवाल आपके सामने है कि कौन सा स्कीम या कौन सा वर्ष था जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? जल्दी जल्दी कॉमेंट करोगे, किस वर्ष में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? चलिए तो पहला सवाल आज के सेशन का, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2018, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो इस प्रश्न को जब आप बना रहे होंगे तो एक जानकारी सबसे पहले रखना, आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 2016 टिक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि ये सवाल है अटल पेंशन योजना। अच्छा अटल पेंशन योजना इज डिफरेंट प्रोग्राम, अटल पेंशन योजना अलग कार्यक्रम है जिसमें 18 से 40 वर्ष के युवाओं को जब वो 60 वर्ष की उम्र पूरा करेंगे तो उनको पेंशन प्रदान किया जाता है 3,000 से लेकर 5,000 तक जैसा प्रीमियम भरोगे। असल वो कार्यक्रम डिफरेंट है, अलग है, ध्यान से सुनना। हाँ ये जो सवाल आपसे पूछा गया मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। सरकार ने साथियों इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2018 में, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मान लो आपने बीमा लिया हुआ है और या तो इसके अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है और आप बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, तो सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत जो है वो 90 दिनों का राहत दिया था, 90 डेज का मतलब 90 दिनों तक जो है वो अगर आप नहीं बेरोजगार हो गए, अगर नहीं भी प्रीमियम वगैरह भर पा रहे हैं तो सरकार जो है वो आपको राहत देगी, मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। तो असल ये कार्यक्रम डिफरेंट है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और ये लक्ष्य था 2020 तक, तो पहले इसको बढ़ाया गया 2020-21 तक से बढ़ाया गया पहले इसको 2022-23 तक, ठीक है, यानी 2022-23 तक इसको बढ़ाया गया और अब इसको क्या कर दिया गया, फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, यानी कि अब इस कार्यक्रम को बढ़ा करके कर दिया गया 2024 तक के लिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस योजना को बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कब तक के लिए हो गया है तो 2024 तक के लिए, पहले 2022-23 तक के लिए बढ़ाया गया था, अब ये बढ़ करके हो गया है 2024 तक के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ चलिए, हाँ तो स्टूडेंट ए स्कीम जो है ए स्कीम टोटली डिफरेंट है, हाँ वो अटल पेंशन योजना से जोड़ करके इसको नहीं देखना है। अब वही सारे यहाँ पे डिटेल्स हैं कि 2 साल की अवधि के लिए साथ ही उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीमित कल्याण योजना पात्रता शर्तों में राहत बढ़ी है, 1 से 7 इतना की अवधि के लिए इसको विस्तार मिला है, योजना का तीसरा विस्तार है, हाँ इससे पहले हो चुका है 2-3 बार विस्तार, कोविड के दौरान इसको एक बार और बढ़ाया गया था, 2 साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुप्रतीक्षित 43 डेज का एक एनुअल मचेल माता यात्रा है, 43 दिवसीय वार्षिक मचेल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कमेंट सेक्शन में लंबा लंबा कमेंट नहीं करना है, हाँ बिल्कुल प्रश्नों का केवल उत्तर देना है साथियों।
मचेल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन होता है? 43 दिनों के लिए आयोजन है, तो सबने जानकारी रखोगे कि इसका आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये कार्यक्रम, ये यात्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई पड़ रहा। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है कि यह यात्रा किश्तवाड़ा जिले में होता है। यह 5 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। हाँ, यात्रा जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे प्रसिद्ध तीर्थयात्रा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। पूरे क्षेत्र में तीर्थयात्री मचेल माता मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हाँ, चलिए, तो ये कार्यक्रम भी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने सवाल होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, NCRB का प्रश्न है। किसका सवाल है ये? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि भारत सरकार में गृह मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं, और यह रिपोर्ट है स्टूडेंट कि भारत में अपराध कितना हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। तो सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति SC समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर में सबसे अधिक थी? वह कौन सा राज्य है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं, वह संबंधित राज्य कौन सा है? तो साथियों, वह राज्य है वन एंड वनली मध्य प्रदेश, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं 2021 के अंदर। हाँ, अब यहीं पे अगर सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामला कहाँ दर्ज हुआ है ST के खिलाफ, तो सुन, इसमें केरल आ जाएगा, केरला इसमें आ जाएगा, ST के खिलाफ केरला में, और SC के खिलाफ कहाँ पे साथियों? तो मध्य प्रदेश में। अब चूंकि ये रिपोर्ट है बहुत डिटेल में, हाँ, तो इसका मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी कर देता हूँ, क्योंकि और भी इसमें बहुत तरह के सवाल होते हैं, तो उसको एक बार देख लेना। जैसे पूछा जाएगा ओवरऑल सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ है, उत्तर प्रदेश पहला नंबर पे है, तो इसकी जानकारी आप रखोगे, और इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी देख लीजिएगा। देखिए, वो दोनों बातें कि SC और ST के खिलाफ कहाँ पे अपराध सबसे ज़्यादा दर्ज हुए, तो हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है कि 2020 में भी MP में सबसे ज़्यादा मामला दर्ज हुए थे आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में इतना प्रतिशत और औसत इतना है। चलिए, जो काम का आंकड़ा है स्टूडेंट, उसको एक बार देख लो। ST समुदाय के खिलाफ अपराधों के बारे में दर्ज में ST के खिलाफ देखो, केरल पहले नंबर पे है, और उसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है तीसरे नंबर पे। ये किसके बारे में साथियों? ST समुदाय के खिलाफ अपराधों का मामला है। चलिए, तो इस पूरे रिपोर्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रखा गया है? एक कॉम्प्लेक्स बना है भारत में साथियों, उसका नाम है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया है अभी, तो आपको जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, अभी नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया, बहुत ही शानदार सेंटर है। हाँ, वहाँ पर प्रदर्शन का आयोजन होगा, बैठकें होंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगे बड़े बड़े, तो उसका नाम क्या रखा गया है? अब ये न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था, और प्रधानमंत्री जी आपने देखा था कि वो ड्रोन उड़ा करके दिखा रहे थे कैमरा से, तो इसमें सही जानकारी है ऑप्शन नंबर डी कि भारत मंडपम इसका नाम रखा गया है। क्या नाम है साथियों इसका? भारत मंडपम। और भारत मंडपम के बारे में जानकारी रखोगे कि इस परिसर का निर्माण 2700 करोड़ रुपये की लागत से हुई। कितने के लागत से साथियों? 2700 करोड़ रुपये के, 123 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें और भी कई सारी बातें हैं कि इसमें एक साथ जो है लगभग 3000 व्यक्तियों के बैठने के जगह हैं। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा भव्य हॉल है, एक ऐसा बड़ा हॉल है स्टूडेंट, जहां पे एक साथ जो है वो 3000 लोग बैठ सकते हैं। अपने आप में कमाल की जानकारी है। तो भारत में इस प्रकार के भी एग्जीबिशन हॉल बन रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु साथियों 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है? लो, अपने यहाँ मामला फिर से आ गया है कि अब चूंकि डॉक्टर की भारी कमी है, बड़ा राज्य है कि छोटा राज्य है, मैं तो हिंट ही कर रहा हूँ आपको, एक ऐसा राज्य बताओ जहाँ पे डॉक्टरों की भारी कमी है, और कमी को दूर करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों की रिटायरमेंट का एज को बढ़ा दिया है। चलिए, तो वह संबंधित राज्य कौन सा है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने
सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 ईयर से बढ़ाकर 65 कर दिया, यानी कि अब वहाँ पे डॉक्टर 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। अब इसमें क्या है मामला पूरा वो समझिएगा। देखो उत्तर प्रदेश में जो कुल डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टरों की जो संख्या है साथियों, स्वीकृत जो पद है तो स्वीकृत पद है 19,000 और कार्यरत डॉक्टर कितने 14,000। तो आप बताइए खुद ही आप कि 19,000 डॉक्टर होना चाहिए और 14,000 डॉक्टर अभी हैं वर्तमान में, तो गैप तो बहुत बड़ा है, लगभग 5,000 का गैप है। और अगर डॉक्टर जल्दी जल्दी रिटायर होंगे तो गैप और बढ़ जाएगा, तो इससे राज्य की बुरी हालत हो जाएगी। तो सरकार ने एक फैसला लिया है कि डॉक्टर साहब का उम्र ही बढ़ा दे, अब डॉक्टर साहब लोग जो हैं वो 65 साल पर रिटायर होंगे। हाँ बिल्कुल, तो इसकी भी जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। जल्दी से सवाल देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषों का ये प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है ये पुरुषों का प्रतियोगिता है, मिस्टर रूबरू यही नाम है ना, सॉरी द रूबरू, शानदार प्रतियोगिता है, सारे लड़के यहाँ पे चले जाओ। हाँ तो स्टूडेंट ये प्रतियोगिता हो रहा है गोवा के अंदर, कहाँ पे हो रहा है साथियों, तो द रूबरू जो है मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता है गोवा के अंदर, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे और जानकारी है कि क्या है ये दुनिया की सबसे बड़ी पुरुषों की प्रतियोगिता है, उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान पहनना है इसमें, प्रसिद्ध कार्यक्रम अगस्त में 5 अगस्त को होगा, बोगमेला बीच रिजॉर्ट में इसका आयोजन होगा और ये 29वां सीजन है। इसमें 32 सबसे सुंदर और करिश्माई और प्रतिभाशाली पुरुष का स्वागत किया जाएगा। हाँ मतलब इसमें क्या है कि जो हैंडसम पुरुष हैं और जो चमत्कारिक पुरुष हैं उनका वेलकम किया जाएगा। तो भाई लड़कों का कॉम्पिटिशन है, जितने भी लड़के हैं सब गोवा पहुँच सकते हो और रूबरू कार्यक्रम में जा करके भाग ले सकते हैं। सीजन कौन सा है साथियों, 29वां सीजन है, कौन सा रिजॉर्ट पे आयोजन हो रहा है, बोगमेलो रिजॉर्ट जो है वहाँ पे इसका आयोजन होगा। तो ये भी जानकारी हो गई पूरी। उसके बाद है सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने KGFS, क्या नाम है साथियों शॉर्ट में, KGFS के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, उस बैंक का नाम क्या है। ग्रेट, आपके कॉमेंट्स में देख लूँ एक बार, KGFS के साथ किसने समझौते किए हैं। KGFS मतलब नोट कर लेना कि इसका मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज के, मतलब KGFS मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ किसने समझौते किए हैं, उस बैंक का नाम क्या है। चलिए तो इसमें सही जानकारी रखेंगे साथियों कि HDFC बैंक ने KGFS के साथ समझौते कर लिए हैं, KGFS के साथ समझौते किए हैं और किसके लिए समझौते किए साथियों, सूक्ष्म उद्योगों को ये लोन देगा, माइक्रो इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस करेंगे। पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो, HDFC बैंक ने ये समझौते किए हैं चेन्नई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है KGFS। KGFS क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके साथ समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बड़े कॉरपोरेट बैंकिंग में 2023 में क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है। मामला समझना कि ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स की सूची में पहला स्थान हासिल करने के लिए SBI को किसने पीछे छोड़ दिया, किस बैंक ने, तो बैंक ने ही बैंक को पीछे छोड़ा है, तो जल्दी से कॉमेंट करोगे आप। देखो भारत में जब भी बैंकों की बात होती है ना, तो सबसे जो बेहतरीन बैंकों में से पहले नंबर पे आता है वह बैंक है साथियों HDFC। कौन सी बैंक है वो, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंकिंग बैंक है ये, और इस बैंक ने क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स की सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट HDFC, शशिधरन इसके CEO हैं, इसकी भी जानकारी आप रखोगे, एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो यही बातें यहाँ पे आपको करी गई हैं। अब देश में सबसे बड़े निजी ऋणदाता कंपनी है ये HDFC, उसने पीछे छोड़ दिया SBI को। जब HDFC की बात होगी तो इसका मतलब है
अगस्त 1994 में स्थापना है। हसमुख भाई पारेख इसके फाउंडर थे, मुंबई हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र, सीईओ है शशिधर जगदीशन, अभी जैसे हमने बोला, चेयरमैन इसके हैं अतनु चक्रवर्ती, और इसका टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये किसके बारे में साथियों, तो HDFC बैंक के बारे में। भारत में HDFC बैंक का अगर मार्केट वैल्यूएशन देखोगे तो SBI की 3 गुना सबसे बड़ी बैंक है ये, 3 गुना, 1-2 गुना नहीं, तो इसकी भी जानकारी रखोगे आप। आगे बढ़ेंगे, फिर से सवाल है, अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटररी अवार्ड 2023 किसे मिला है? अवार्ड है साथियों माइल्स फ्रैंकलिन लिटररी अवार्ड, और उपन्यास का नाम क्या है? चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स। साथियों इसके लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये सारे नाम जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी फेमस हस्ती है, और इस आपको बताना है कि इसमें सम्मानित किसे किया गया है। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर करोगे। ग्रेट, हाँ तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कि देखो ये सारे फेमस नाम है, एक भी सही नहीं होगा। इसमें सही नाम है शंकरी चंदन। हाँ क्या नाम है साथियों इनका? शंकरी चंदन। इन्होंने लिखा है उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स, और इसके लिए इन्हें माइल्स फ्रैंकलिन लिटररी अवार्ड मिला है 2023। तो इसमें सही उत्तर क्या हो गया? शंकरी चंद्रन, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही है। और आगे इसके बारे में है कि इन्हें पुरस्कृत किया गया है, यह उपन्यास सिडनी के उपनगर वेस्ट्रो में सिनामन गार्डन्स होम आधारित है, जो रंगीन इतिहास वाले निवासियों से भरा है। 10 साल पहले उनके उपन्यास को कई ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशक ने पर्याप्त रूप से ऑस्ट्रेलियाई नहीं होने के कारण जो है उनको नहीं पुरस्कृत किया था। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार है, एक लिटररी अवार्ड है, और ये वार्षिक पुरस्कार है जो एक सर्वोच्च साहित्य योग्यता वाले साहित्य को प्रदान किया जाता है। आगे प्रश्न है कि कोरिया के चांगवांग शूटिंग रेंज में, कोरिया में साथियों चांगवांग शूटिंग रेंज में ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? अभी तो स्वर्ण पदक से हम सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे हर मिनट हर सेकंड, और अच्छी बात है भारत वाले लोग इतना स्वर्ण पदक लेकर आ रहे हैं कि हम सब इसमें कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। चलिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा भी था, तो साथियों भारत ने इसमें देखो, भारत ने इसमें टोटल 17 पदक जीते हैं। कुल कितना पदक है साथियों? तो 17, और कुल 17 पदक में से हमें जानकारी रखनी है, इसमें से 6 पदक जो है वो गोल्ड है, 6 पदक हमारे पास गोल्ड आया है, 6 सिल्वर है, और 6 कितना हो गया 12, तो 5 इसमें जो बच गया स्टूडेंट वो ब्रॉन्ज मेडल है। और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बिल्कुल सही है। और आयोजन कहाँ था? तो दक्षिण कोरिया के चांगवांग में है ये आयोजन। वही सारी बातें यहाँ पे वापस लिखा गया है, चीन इसमें सबसे ज़्यादा पदक 28 जीता है। आगे सवाल है, और आगे सवाल पर मैं बढ़ूँ इससे पहले, आप में से जितने भी लोग अनअकैडमी के प्लस पे होंगे, आप हमें अनअकैडमी पे 5 PM में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स में। रात में 10 बजे हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन कोर्स इकोनॉमिक्स पे, तो इकोनॉमिक्स की 2-2 क्लासेस चल रही है, आप चाहे तो वहाँ ज़रूर जुड़ें। और लक्ष्य 69th BPSC एक प्रैक्टिस सेशन है, ये फ्री क्लास में लेकर के आ रहा हूँ, तो इस फ्री क्लास में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ोगे, अगला सवाल पुनः आपके सामने है, और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न है साथियों कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? और कोड प्रयोग करिएगा SKC10। बिल्कुल ग्रेट, बहुत अच्छा। तो सबने जानकारी रखोगे कि प्राकृतिक रूप से पूरी दुनिया को प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से स्टूडेंट
प्रतिवर्ष 28 जुलाई को, 9th ऑफ जुलाई को, 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर ये हमारे सामने बिल्कुल सही है। इस दिन इसका ऑब्जर्वेशन का मूल उद्देश्य कि प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, प्रकृति ग्रह के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है, नेचर का बैलेंस में होना बहुत आवश्यक, तो उसके लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 का जो दिवस मनाया जा रहा है साथियों, उसका थीम क्या रखा गया है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? इस वर्ष का थीम क्या है इसमें? हेपेटाइटिस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को, इस वर्ष का थीम क्या है? तो फ्रेंड, इसमें जानकारी रखोगे कि इस वर्ष का थीम है वी आर नॉट वेटिंग। हाँ, वी आर नॉट वेटिंग, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ये इस वर्ष का हेपेटाइटिस डे का थीम है। और अश्विन, भारत के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और भारत में और भारत के अलावा जो है इसके मामले सबसे ज़्यादा है अमेरिका में। अमेरिका का आंकड़ा अगर आप देखोगे शॉक्ड रह जाओगे, अमेरिका में लगभग 80,000 नए मामले सामने आए हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, जिसके परिणामस्वरूप हर साल लगभग 1,00,000 हेपेटाइटिस से संबंधित मौतें हो रही हैं। थीम है हम इंतज़ार नहीं कर सकते, वी आर नॉट वेटिंग। हाँ, और बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मूल उद्देश्य है। तो आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल आपके सामने। और हेपेटाइटिस 1967 में बी वायरस की खोज की गई थी फ्रेंड, बेरी बलमबर्ग जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। 2008 में विश्व हेपेटाइटिस अलायंस के द्वारा जो है 29 मई को विश्व स्तर पर इसे मनाए जाने की शुरुआत करी गई है। आगे फिर से प्रश्न है कि किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया है? ये सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, वह संबंधित राज्य कौन सा है साथियों जहाँ पे ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना एक सवाल कि नूर शेखावत को सबसे पहले दिया गया है, हम लोग पढ़े थे कौन सा राज्य है जहाँ पे नूर शेखावत को, उन्होंने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट कराया तो भी उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मिला नया वाला, तो संबंधित राज्य है राजस्थान। हाँ, वहाँ पर सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए जन्म प्रमाण पत्र को लागू करा है। आर्थिक सांख्यिकी विभाग के निदेशक और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार ने यह प्रमाण पत्र नूर शेखावत को जारी किया है। 10 दिन पहले का ये मामला है और वह राज्य है संबंधित राज्य राजस्थान, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से अभी ये जारी किए गए हैं। जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कराया साथियों? उस कंपनी का नाम क्या है? और जैसे ही निजी का नाम आएगा तो आप समझ जाओ कि कौन सी कंपनी होगी। जैसे ही निजी का नाम आएगा तो समझ जाना कि वह कौन सी कंपनी होगी। अश्विन, दुनिया में सबसे बड़ी जो स्पेस रिसर्च करने वाली जो निजी कंपनी है वह है एलन मस्क की कंपनी, और उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। क्या नाम है उसका? स्पेसएक्स। तो साथियों, स्पेसएक्स कहाँ की कंपनी है? US बेस्ड कंपनी है, और वही फ्लोरिडा से रह करके ये भी काम करती है, फ्लोरिडा USA से अंदर लॉन्चिंग वॉन्चिंग का काम करती है। तो इसने सबसे बड़ा जो है ये संचार उपग्रह लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है जुपिटर 3। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जुपिटर 3 को विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह के रूप में 27 जुलाई को स्पेसएक्स ने कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च कर दिया है, जो कि अमेरिका में आमतौर पर ही से सारा लॉन्चिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है ना लॉन्चिंग सेंटर, उसी प्रकार से। और बिल्कुल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2018 से ये मिशन शुरू हुआ था, अब जा करके इसको 27 जुलाई को उसने लॉन्च कर दिए हैं। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से सवाल हमारे सामने है। और आप लोग लाइक करने में कमी रख रहे हो, अभी मैं देखो एक बार भी नहीं बोला तो मात्र 59 बच्चों ने लाइक किया, 103 या 99 अभी लाइव दिख रहे हो। जितने भी सेशन में हैं फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर लेना, नहीं तो मैं आपको लाइक ही करवाने में रह जाऊँगा, पढ़ाऊँगा कब। जल्दी से सेशन को लाइक करना, और मैं कहूँगा अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर देना, क्लास खत्म होगा तब, अभी पढ़ाई करो चुपचाप से। अश्विन, इसे कि किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? ये सवाल रिपीटेड है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत पहले हमने इस पर डिस्कस किया था। बिग कैट अलायंस साथियों किस देश ने शुरू करने की बात करी है? तो वह देश है भारत, और भारत में पहला समर्थन करने वाला देश कौन है? वह है नेपाल। वह भी उसने भी कहा कि हाँ भाई ये सही बात है।
अब इसमें 7 बिग कैट में क्या है, इसमें 7 बिग कैट है जिसको उसका कंजर्वेशन के लिए काम करना होगा। और ये 7 बिग कैट कौन कौन सा है जानते हो? ये 7 बिग कैट में शामिल है जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड। ये 7 ऐसे बड़ी बिल्लियां हैं, बड़ी बिल्ली हैं, बिल्ली की प्रजातियां हैं ये। तो 7 बिग कैट का संरक्षण करने के लिए साथियों एक नया अलायंस बनाने का घोषणा किया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर के परिणाम स्वरूप दुनिया में 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो हम प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी काम कर रहे हैं भारत जो है स्टूडेंट, क्योंकि भारत में अभी आपने देखा होगा नया रिसर्च भी है 3687 के आसपास हमारे यहाँ टाइगर हो गए हैं। जबकि आपको याद होगा कि टाइगर की संख्या घट के भारत में भी बहुत कम हो गया था, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट लाया तो अब इसकी संख्या बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से सरकार ने घोषणा कराया कि अब हम लोग को काम करना है प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे भी और 7 बिग कैट पे भी, 7 अन्य प्रजाति जो बिल्लियों के हैं उसको भी हमें संरक्षित करना है। तो ये काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जी। आगे प्रश्न होगा कौन भारत के 83rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए भारत के 83rd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो साथियों उनका नाम है आदित्य सामंत एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने है, आदित्य सामंत। देखो कोई भी ग्रैंड मास्टर कब बनता है तो उसके अलग नियम होते हैं। जब 3 वो टूर्नामेंट अगर जीत जाएगा, मान लो शतरंज में अगर 3 टूर्नामेंट लगातार जीत जाता है तब जा करके वो इसमें वो बनता है। और देख रहे हैं कि भारत के 83वें शतरंज मास्टर का नाम क्या है, आदित्य सामंत। इनके बारे में थोड़ी जानकारी, आदित्य सामंत 83rd ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट में हम वतन आर्यन चोपड़ा के विरुद्ध उन्होंने 9वें दौर में खेल शुरू किया और 17 वर्षीय जो है उन्होंने जीत दर्ज करी है। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, सामंत नाम से ही लग रहा था उसने, उन्हें 2500 एलो मार्क पार कर लिया है और अब वो उसको कर लिए, तो जो उसके एलो मार्क होते हैं उसको उन्होंने पार कर लिया जिस कारण से वो ग्रैंड मास्टर हो गए इंडिया के नए वाले। अब आगे फिर से सवाल हमारे सामने होगा और इसे देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को प्रमुख ऋणदाता बन गया है। ये रिपीटेड सवाल है। भारत सरकार के मतलब कंपनियों को और भारत में जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे ज़्यादा लोन देने वाला बैंक कौन बन गया है, रिपीटेड सवाल है। हम लोग ये प्रश्न लास्ट क्लास में भी किए थे तो सर सबने जानकारी रखोगे, वह बैंक है कैनरा बैंक। भारत में सरकारी कंपनियों को सबसे ज़्यादा लोन यही दिया है। हाँ, और इसने कितना लोन दिया देखोगे, अमाउंट इसने टोटल जो लोन दी है वह है 1,87,813 करोड़ रुपये। ये लोन इन्होंने सार्वजनिक कंपनियों को दिया है, सरकार की कंपनियों को दिया है। तो क्या लगता है सरकार की कंपनियां इसको पैसा लौटा पाएगी? क्या लगता है कि सरकार की कंपनियां इसको पैसा लौटाएगी? मुझे लगता है नहीं लौटा पाएगी। तो सरकार की आधा से अधिक कंपनियां लॉस मेकिंग है, नुकसान में रहती हैं। तो ये जानकारी हो गई। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? साथियों उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? अभी जस्ट ये पुरस्कार उन्होंने स्टार्ट किया है, वो व्यक्ति जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में औद्योगिकरण में जो बेस्ट काम कर रहा है। आपको पता होगा भारत में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है स्टूडेंट, सबसे बड़ी इकोनॉमी वह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बड़ा होने के पीछे सबसे प्रमुख वजह है कि वहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। तो उसी तर्ज पर उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी एक नई पुरस्कार शुरू करी, उसका नाम है उद्योग रत्न पुरस्कार। और यह रत्न गया है, रत्न को गया है, किसे गया भाई ये? तो यह रत्न गया है रत्न को, और यह रत्न है भारत के रतन टाटा। स्टूडेंट आपको जान करके काफ़ी खुशी होगी कि रतन टाटा की जो इनकी जो लीडिंग कंपनी है साथ में वो टाटा सन्स, उसमें लगभग 9 लाख कर्मचारी हैं। कैन यू इमेजिन, एक कंपनी में 9 लाख कर्मचारी हो, इसमें 9 लाख भारत के लोग काम करते हैं। मतलब अगर आप देखिएगा इसको बड़े स्तर पर तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राज्य सरकार इतनी नौकरियाँ नहीं दे पाती जितनी इनकी अकेले कंपनी में नौकरियाँ हैं। तो टाटा के कर्ता धर्ता रतन टाटा को साथियों सम्मानित किया गया है उद्योग रत्न पुरस्कार से। और भारत में अगर ना कभी भी कोई कंपनी के बारे में अगर आपको अच्छा सोचना हो, जो इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो भारत के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है, वह है टाटा कंपनी। इनकी USP ही यही है कि ये हमेशा वेलफेयर को प्रायोरिटी पर रखते हैं, धोखा वोखा नहीं देते किसी को। तो वही सारी बातें यहाँ पर वापस से लिखा गया है और
बिल्कुल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इत्यादि सब इसमें उपस्थित थे। आगे प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? साथियों, वह कौन सा मंत्रालय है जिसने इस कार्यक्रम को शुरू किया है कि मेरी माटी मेरा देश? तो जैसे माटी की बारी आएगी साथियों, तो गांव का नाम आता है ना, माटी गांव, तो गांव मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसमें सही जानकारी क्या हो जाएगा? इसमें सही जानकारी है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा साथियों इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। कार्यक्रम जो है ये 9 से 15 अगस्त तक चलेगा, और इस कार्यक्रम में जो मूल उद्देश्य होगा, ऑब्वियसली लोगों को अभी आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात जब कल कर रहे थे ना, 103वां मन की बात, आप में से कई बच्चे सुने होंगे और सुनना भी चाहिए, एग्जाम के अंदर भी सवाल आता है। तो मन की बात में स्टूडेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभी लोगों को बोला है कि मिट्टी को हाथ में लेकर के सेल्फी लेकर के फोटो अपलोड करना है। हाँ, तो अब देखिए देश भर में लोग करेंगे इस पर, और 9 से लेकर के 15 अगस्त के दौरान साथियों ये अभियान चला रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। पूरे देश में लगभग 7,500 ब्लॉक का चयनित हुआ है, युवा दिल्ली के कर्तव्य पद पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ था, और ये समाप्त कब होगा स्टूडेंट? ये समाप्त होगा 15 अगस्त 2023 को, सभी लोग जानकारी रखना। ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को, समाप्त कब होगा? 15 अगस्त 2023 को। और सरकार ने एक नई कार्यक्रम शुरू किया है, वो कार्यक्रम है साथियों मेरी माटी मेरा देश अभियान। हाँ, मेरी माटी मेरा देश, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे रखोगे। आई फ्लू या कंजेक्टिविटी टिस क्या है? ये आई फ्लू जो है साथियों ये क्या है? आई फ्लू जो है बिल्कुल अभी काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। आई फ्लू क्या है? दिल्ली में इसके बहुत सारे मामले दर्ज हो रहे हैं आई फ्लू के। चलिए, तो इसमें सही जानकारी है साथियों, इसमें सही जानकारी है कि यह एक जो है वो कंजेक्टिवा का सूजन है। हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी कंजेक्टिवा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आई फ्लू के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अभी दिल्ली के अंदर इसके बहुत सारे मामले आ रहे हैं, दिल्ली NCR समेत देश के कुछ हिस्से में इसके मामले बढ़ रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामले में स्वस्थ सीमित है और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है, इसको मैनेज अच्छे से किया जा रहा है। आगे पुनः सवाल है हमारे सामने, और अब जो सवाल होंगे वह है बिहार से जुड़े हुए। तो जितने लोग अभी सेशन में लाइव हो, एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ताकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पे हो, आपको लाइक कराने पे नहीं हो। बिल्कुल, एक बच्चा लिख रहा है आई सफर्ड लास्ट वीक, अच्छा आपको हुआ था क्या? आई सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। ओ हो, जुनेद इससे सफ़र भी किए हैं, अनुभव बताओ भाई। अभी आप क्लास में हो तो हैंडरेज नहीं करवा लेते आपसे। चलिए, तो स्टूडेंट आगे हम लोग बढ़ेंगे, और बिहार करेंट अफेयर्स को अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। अगली जानकारी है कि परिमार्जन पोर्टल किस सेवा से संबंधित है? पहला सवाल आपके सामने, और यह है बिहार करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल। परिमार्जन पोर्टल साथियों किस सेवा से इसका संबंध है? चलिए, पहला सवाल और राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध है जमाबंदी म्यूटेशन रजिस्टर में सुधार से। परिमार्जन पोर्टल का संबंध किससे स्टूडेंट? जो म्यूटेशन रजिस्टर, उसमें सुधार से संबंधित एक कार्यक्रम है बिहार का। आगे प्रश्न होगा, नालंदा अंटिल बीमित कंगन पुस्तक किसने लिखा है? नालंदा अंटिल बीमित कंगन इस पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम बोरा, रस्किन बॉन्ड, इंदु भूषण सिन्हा या फागु चौहान, इसके लेखक का नाम क्या है? तो साथियों इस पुस्तक को लिखने का कार्य किया गया है, इस पुस्तक को लिखने का काम किया गया है गौतम बोरा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत बिहार में
87 नए पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं। बिहार में 83 नई पाठ्यक्रम नए कोर्स पब्लिश किए जा रहे हैं। वो कार्यक्रम क्या है, वह कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत नए कोर्सेज बिहार के अंदर लॉन्च किए जाएंगे? तो साथियों वह कोर्स है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि जो सरकार ने क्रेडिट कार्ड स्कीम लगाया है बिहार में, उसके अंदर 87 नए कोर्सेज को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि पहले ऐसे कोर्सेज पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, अब सरकार ने उस पे भी क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा करी, जिसमें 4 लाख रुपये आपको मिलते हैं। तो सही जानकारी क्या होगा, छात्र क्रेडिट कार्ड में अब नए 87 पाठ्यक्रम कोर्सेज को शामिल किया जा रहा है। आगे सवाल, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? चलो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, बिहार का वह संबंधित जिला कौन सा है जिसको पहला रैंक मिला है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जल जीवन सर्वेक्षण 2023, बिहार के किस जिलों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार का वह संबंधित जिला कौन सा है? तो वह संबंधित जिला साथियों समस्तीपुर, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सवाल, बिहार सरकार ने गव्य विकास योजना के तहत किसानों को देसी गाय देने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? किसानों में देसी गाय का वितरण किया जाएगा और उसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है? चलिए तो इसमें सही जानकारी हो जाएगा साथियों कि बिहार सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है, 30 करोड़ का सेंशन किया है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, इसकी जानकारी आप रखेंगे। चलिए 127 करंट अफेयर्स का कोई तोड़ नहीं, प्रयास करिए सुबह 7:05 में हमें ज्वाइन करने का। और ये थे बिहार करंट अफेयर्स में, आपने कमाल करा है आज के सेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 आपको रेगुलर ये वाली क्लास में लेकर के आ रहा हूँ। हाँ तो आप सभी लोग प्रयास करें, इसमें ज़रूर जुड़ना, लाइक और शेयर ये अधिक से अधिक संख्या में करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। स्टूडेंट अब हम लोग अपने सेशन के सबसे आखिरी सेगमेंट में होंगे और अनअकैडमी पे चल रहे ऑफर के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे ज़रूरी जानकारी सभी के लिए, अनअकैडमी पे साथियों जो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, 40% का डिस्काउंट है विद सेम रेफरल कोड SKC10, और इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का कोर्स है 6,375 रुपये में, 2 वर्ष का कोर्स है 8,286 में। अनअकैडमी पे कोर्सेज की बात करें साथियों तो ये है उत्कर्ष 70वीं बीपीएससी में आप एक ऐसा कोर्स जहाँ पे PT और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी की एक बड़ी सी टीम के साथ। और ये कोर्स लॉन्च हो रहा है 3 अगस्त को, 3 अगस्त को। तो आप में से जो भी बच्चे उत्कर्ष बैच से जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए इस बैच पे। और दूसरी जानकारी, एक स्पेशल क्लास आ रहा है उसमें भी जुड़ सकते हो, क्रैश कोर्सेज है साथियों उसमें भी भाग ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन अंतिम पड़ाव PT और बिहार शिक्षक के लिए। इंग्लिश माध्यम में फाउंडेशन कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी है 70वीं BPSC के लिए, PT मेंस के लिए, और प्रारंभिक BPSC 70वीं का स्टूडेंट आरंभ BPSC करके हमारा हिंदी माध्यम का भी कोर्स है, आप इसमें भी भाग ले सकते हैं। तो अनअकैडमी पे क्लासेज की कोई कमी नहीं है, क्लासेज की कोई कमी नहीं है, टारगेट बैचेज, 90 डेज का क्रैश कोर्स इत्यादि ढेर सारे बैचेज हैं। बारी केवल इस बात की है कि आप किस बैच से जुड़ रहे हो और किस प्रकार की तैयारी में आप शामिल हो रहे हैं। तो आप में से जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस पे अभी हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिएगा। और ऑफर का आज आखिरी दिन है, सभी लोग इसको नोट कर लेना, आज इस ऑफर का सबसे आखिरी दिन है, यानी कि आज आपको लास्ट डे है 31st of July, आज के बाद ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ तो कोशिश करें जरूर से जरूर इस ऑफर का लाभ उठाइए। और अब बारी है 2 पैसे की शायरी की, हाँ जिसके बाद हम लोग अपने सेशन को समाप्त घोषित करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो उस 2 पैसे के शायरी के लिए, महज 2 पैसे की होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है ऐसे शायरी को, सिर्फ 2 पैसे की शायरी। चलिए तो आज के सेशन को, हाँ आज का 2 पैसे का मोटिवेशनल शायरी होगा साथियों, कि तू कयामत तक धरने पर बैठ है किस्मत, तू कयामत तक धरने पर बैठ है किस्मत, कयामत मतलब मेरी समाप्ति, मेरी बर्बादी, मेरे अंतिम सांस तक। हाँ तू कयामत तक धरने पर बैठ है किस्मत, मैं कोशिशें तो तब भी मैं
हाँ मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। बिल्कुल असल एक किस्मत है कि वो धरने पर बैठा है, आपको सफल नहीं होने दे रहा, आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रहा है। लेकिन हमारा और आपका जो प्रयास होना चाहिए वो हमारी कोशिशों तक होनी चाहिए। हम अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं विजय होंगे। और ट्राई एंड ट्राई वंस अगेन करते करते आप अगर किसी काम में लंबे समय तक लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो कभी भी अगर आपकी किस्मत धरने पर बैठ गई है कि भाई आपको सफल नहीं होने देंगे और आपका पाँव खींच ही लेंगे, आपको नीचे गिराया ही जाएगा, तो घबराना नहीं है। इस बात का खूब ख्याल रखना है कि हर वो व्यक्ति इस धरती पर सफल हुआ है जिसने एक और कोशिश की है। तो एक एक कोशिश करते जाना है, उसके बाद आप देखोगे कि निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, इसको भेद पाओगे। चलिए तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब जाइए सोमवारी वगैरह करिए और पूजा पाठ के साथ साथ पढ़ाई भी करो। हाँ वेलकम टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू बिगिन द सेशन। दिल की अरमा आंसुओं में बह गया, लड़का ये लिख रहा है आज पता नहीं कैसे उठ के सुबह की क्लास में दिख रहा है ये। चलिए बिल्कुल कर्म पर भरोसा रखिए, काम अच्छा करिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोशिश में ही सफलता छुपी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हर वो व्यक्ति इस धरती पे सफल है जिसने कोशिश की है। आप कोशिश नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो आज के इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सेशन से जुड़ने के लिए। अपना खासा ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।